वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों का T3 T4 का लेवल नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है। उनको हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड हो जाता है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसे समझकर आप अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर बीमारी का पता करके उसका सही इलाज करा के अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वजन का बढ़ जाना, शरीर पर सूजन का आ जाना, थकान का रहना, ब्लड प्रेशर का कम रहना, डिप्रेशन का रहना, कब्ज का हो जाना, ज़्यादा ठंड का महसूस होना, रूखी त्वचा का हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी का आ जाना, पसीना कम आना, मासिक धर्म का अनियमित हो जाना, आवाज़ का बैठ जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, मांसपेशियों में दर्द और जकड़न का होना, जोड़ों में अकड़न और सूजन के साथ दर्द का होना, बालों का झड़ना और भाइयों, दिल की गति का धीमा हो जाना। तो भाइयों, हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण हैं तो भाइयों, आपको तुरंत ही थायराइड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर इस जांच में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड की शिकायत आती है तो भाइयों, आप सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।